धन्यवाद सब आपके महोदय। थैंक यू चेयरमैन। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम सर तो कहीं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त। चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन, हम तो पहले आदमी है, हमारा 8 मेंबर है, अब बोलो, पार्टी मगर अकेला है मगर समय। थैंक यू चेयरमैन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन मोशन ऑफ द थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेसिडेंट ने बात करने के टाइम में पिछले 75 साल में, अभी 75 साल कंप्लीट हो गया, 75 साल से क्या क्या हुआ वो बताते हुए पिछले 10 साल में क्या हुआ उसका बारे में काफ़ी 32 पेजेस जो बुक्स हम लोगों को जो ना पार्लियामेंट मेंबर को मिला है उसमें 32 पेजेस में उसका उल्लेख किया है। उसमें पेज नंबर 4 में एक बात ने बताया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। एक्चुअली ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले 20 ईयर्स से हम लोग फाइट किया है। हम 15th लोकसभा में भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस टाइम में भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी देना बोल के काफ़ी कुछ फाइट किया है। फाइनली जो है ना एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जब स्टेट डिवाइड हो रहा था उस टाइम में ये डिमांड था हमारा केसीआर साहब का, हमारा नेताजी का, हम लोग का, उसका वजह से 2014 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है ना उसमें रखा था, मगर उसके अभी 10 साल लग गए उसको पूरा कंप्लीट करने में। उसी तरह से देखने में अगर नीति आयोग का बारे में पेज नंबर 6 में नीति आयोग का बारे में भी, नीति आयोग का बारे में इल्लो करते हुए 25 करोड़ पीपल को जो है ना अपलिफ्ट किया बोल के बोला है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमारा जो है ना वर्ल्ड में पॉपुलेशन में 140 करोड़ का पॉपुलेशन का कंट्री है, 25 करोड़ को जो है ना अपलिफ्ट किया बोल के बताया। मगर अगर हम लोग जो है ना पर कैपिटा का इनकम का बारे में अगर देखें तो वर्ल्ड में जो है ना बहुत पीछे है, हम लोग इतना पीछे है, उसको जो है ना पर कैपिटा के इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या ये करना है उसका बारे में नहीं बताया। अभी हम लोग का जो GDP सिंगल डिजिट में है, जब तक जो है ना GDP डबल डिजिट में नहीं जाएगा ये कंट्री डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ टाइम लगेगा। चाइना हम लोग का पीछे था मगर पिछले 30 ईयर्स में चाइना अभी बहुत आगे बढ़ गया और डेवलप्ड कंट्री में जो है ना वो आ गया। और उसी तरह में पेज नंबर 14 में नेशनल हाईवेज का बारे में जो बात किया था, नेशनल हाईवे तो जरूर जो है ना हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, देश में काफ़ी कुछ नेशनल हाईवेज जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना बन गया। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले 5 साल में अब खम्मम से सूर्यापेट, खम्मम से नागपुर, खम्मम से जो है ना राजमंड्री, खम्मम से अमरावती, उसी तरह से एंटायर कंट्री में नेशनल हाईवेज तो काफ़ी बड़ा है। उसी तरह से हम लोग जो है उसको पीछे पड़ के रीजनल रिंग रोड हैदराबाद में एक ही सिटी है एंटायर हम लोग का इंडिया में, आउटर रिंग रोड कंप्लीट हो गया और रीजनल रिंग रोड भी हम लोग किया था वो भी जो है ना हम लोग का कंप्लीट हुआ है। अहमदाबाद में भी है रिंग रोड सर, थोड़ा हैदराबाद का सब पेज नंबर 13 में ये बात उल्लेख किया था पाइप्ड वाटर फर्स्ट टाइम जो है ना 11 करोड़ पीपल को दिया बोल के, मगर आज के दिन में अगर बोलने से ये जो ड्रिंकिंग वाटर जो है ना पहले स्टेट था जब हमारा नेता केसीआर साहब ने उस टाइम में मुख्यमंत्री था, हमारे एंटायर तेलंगाना को जो है ना मिशन भगीरथा से पहले दफा जो है ना एंटायर स्टेट में जो है ना हम लोगों हर एक घर घर में जो है ना पानी दिया है। इसी पार्लियामेंट में बहुत दफा क्वेश्चन किए तो इसी पार्लियामेंट के में ये भी बात एग्री किया है ओनली स्टेट जो है ना 100% जो है ना ड्रिंकिंग वाटर दिया बोल के, उसी को जो है मिशन भगीरथा को आप लोग हर घर जल लगा दिया है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, इसमें तो जो है ना जरूर जो है ना और भी जो है ना गरीब लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए। और पेज नंबर 17 में ये उल्लेख किया था किसान का बारे में, हम भी जो है ना किसान का बेटा है, हम जो है ना गरीब में जो है ना गरीब क्या होता है और विलेज क्या होता है और विलेज में जो है क्या दिक्कत होता है हम अपना आंख से जो है ना छोटा से देखा हुआ है। और उसी टाइम से अभी उसमें पीएम साहब ने पीएम सम्मान निधि बोल के एक 6,000 रुपीज जो है ना दिया बोल के इसमें जो है ना एड्रेस में जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मेंशन किया। मगर ये भी भारत देश में पहले दफा हमारा नेता केसीआर साहब ने ये किसान लोगों के लिए रईत बंधु बोल के फर किसान के लिए 10,000
पर यकर के लिए दिया था उसी को जो है ना आप लोग कॉपी किया, अच्छा हुआ है। मगर हम लोग ये सोचा था ये 6000 से कम जो है 10000 रुपए देगा बोल के, ये देने में थोड़ा अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और ऑयल सीड्स का बारे में लिखा था, ऑयल सीड्स का ये आज का दिन में हम लोग जो है ना पूरा मलेशिया से उसी तरह से इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, वो पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अपना कंट्री में भी पाम ऑयल का फार्मर्स काफी कुछ है, उसमें हमारा कांचनसी का भी पाम ऑयल बहुत कुछ है। पहले जो कंट्री पहले जो डिस्ट्रिक्ट है एंटायर जो है ना हमारा आंध्र प्रदेश में एंटायर हमारा कंट्री में पहले डिस्ट्रिक्ट है खम्मम डिस्ट्रिक्ट में पाम ऑयल ज्यादा ये होता है। मगर पाम ऑयल जो है ना आज के दिन में पाम ऑयल का फार्मर जो है ना काफी सफर हो रहा है। अभी जो इंडोनेशिया में उसी तरह से जो है ना मलेशिया में एक एक फार्मर जो है ना 5000 acres डालता है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करता है। हमारा फार्मर जो है ना छोटा छोटा फार्मर है, 2 acres, 3 acres, 5 acres, 10 acres में डालने की वजह से उसका साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसको MSP देना चाहिए। जो रेट पहले था अभी पाम ऑयल का भी रेट काफी गिर गया है। क्या बोले तो इसमें तो ऑयल सीड्स का बारे में फार्मर का बारे में मेंशन किया है, उसी की वजह से इसको बारे में भी पाम ऑयल का जो किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए भी MSP अच्छा MSP देना चाहिए। उसी तरह से MSP का बारे में 2.5% जो है इंक्रीज हुआ बोल के पिछले 10 साल में जो है बताया था, मगर सच बात यही है, ये तो 2.5% तो इंक्रीज हुआ है वो सच बात है, मगर उससे ज्यादा जो है बाकी हर एक चीज का जो है ना मांग जो है ना ज्यादा जो है ना महंगाई हो गया। वो महंगाई का वजह से जो किसान का MSP जो अभी है वो भी बहुत कमी है, वो भी जो ना सब 2 मिनट 1 मिनट सर उसका लिए भी और आगे भी ये करना चाहिए उसके लिए। और इसी का साथ साथ जो है ना रिवर लिंकिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजपेयी जी का टाइम में उस टाइम में जो रिवर लिंकिंग का स्टार्ट हुआ है, अभी पिछले तो 20 ईयर्स में अभी कंट्री में एक तरफ से ना बाढ़ होता है, एक तरफ से जो है ना सूखा होता है, उसका वजह से जो है ना कंट्री बहुत दिक्कत में है, इसलिए रिवर लिंकिंग का बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह से जो है ना कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो अभी लगाया उसी का वजह से जो है ना तेलंगाना के लिए बड़ी नुकसान हो रहा है, ये इसका बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। आखिरी में चेयरमैन साहब आखिरी में हम ये बोलना चाहता है जो AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जो पास हुआ था अभी जो है ना 10 साल के अंदर सब कुछ इंप्लीमेंट करने का था, अभी तक भी जो है ना 10 साल होने के बाद भी बहुत तो चीज जो है ना इंप्लीमेंट करने का है। काजीपेट का कोच फैक्ट्री नहीं हुआ है, खम्मम का स्टील फैक्ट्री नहीं हुआ है। आज मॉर्निंग में भी हम बता दिया था नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट को देता है वो भी नहीं दिया है, और इसलिए ये सब भी थोड़ा देखने के लिए आपका माध्यम से गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। कुछ भी हो आगे नेक्स्ट 25 ईयर्स का बारे में जो बताया है, नेक्स्ट 25 ईयर्स में जरूर जो है ना हमारा अपना कंट्री जो है ना आगे बढ़ेगा, मगर हम लोगों को जो है ना सब लोग मिलकर काम करने का बहुत जरूरत है। 2047 तक अगर डेवलप्ड कंट्री होना है तो हम लोग सब जो है ना बाकी काफी कुछ चेंजेस लाना चाहिए, हम लोग मिलजुल के काम करना चाहिए। इट में भी रीजनल पार्टी, इट में भी नेशनल पार्टी, इट में भी अपोजिशन, इट में भी जो है गवर्नमेंट, सब पार्टी जो है मिलजुल के हर एक स्टेट जब डेवलप होगा तब कंट्री डेवलप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्री एन रेडप्पा जी देख रहे, थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर।